अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम लोगों ने रात में पहुंचे तो हम लोगों ने यहाँ पे होटल रिजॉर्ट है, ये ज़िलीबा होटल एंड रिजॉर्ट, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सर्विसेज है माशाल्लाह से। और अभी आपको दिखाते हैं, सलमान भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको मीन्स यहाँ का जगह दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये, मतलब ऊपर रूम्स हैं हमारे, मतलब के ऊपर जो भी रहना चाहता है ऊपर बने हुए हैं अलग से रूम्स। इसके अलावा मींस ज़िलीबा होटल एंड रिजॉर्ट, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, मींस के हर चीज़ किचन कुछ भी आप लोगों को, और लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। हमेशा मैं जिस तरह आप लोगों को कहता आ रहा होता हूँ, कोई भी आए तो रुक सकते हैं, और प्राइसेस बहुत रिजनेबल हैं, बहुत ही कम जितना, और हर लिहाज से कोऑपरेट करते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह से ज़िलीबा होटल एंड रिजॉर्ट के ओनर है माशाल्लाह से शाही फूड्स, आई थिंक आपने अभी नाम चेंज करने का सोचा है। अच्छा सर, काइंडली आप ये बताएंगे कि इस जगह का नाम क्या है, फिर बता दें, बिकॉज एयर कंडीशन ब्रिज वुल्किन, ये वो जगह है मुंसा, शीशगढ़ से अगला स्टॉप है, गांव जो है वुल्किन गांव, बड़ा गांव है वो, ऊपर है 210 की जहनम पर मुश्तमिल है, लेकिन ये उसका ये केकेश जो है ना, ये नीचे है उसका दामन है, समझ। अच्छा, ये कंडीशन ब्रिज पे हर कोई आके रुकते हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं, फिर चले, कोई शक नहीं है, अच्छे लोग, जजाकल्लाह। बाकी माशाल्लाह ये ऑनर है माशाल्लाह इस होटल के, इस रिजॉर्ट के, माशाल्लाह यकीन करें इखलाक और दूसरा सर्विसेज, खाना पीना बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एंड बाकी अल्लाह पाक इनको भी अपने ज़ुमान में रखे, खुश रखे, और इनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं, हमारी इनके साथ हैं, आप सब लोगों के साथ भी हैं दुआएं, आप भी याद रखिएगा हमें, और विजिट लाजमी करिएगा ज़िलीबा होटल एंड रिजॉर्ट, अगला नाम जो होगा शाही फूड्स, ज़िलीबा होटल एंड रिजॉर्ट एंड शाही फूड, अच्छा मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ यार, बाखुदा बहुत खूबसूरत जगह है, कौन सा से ये, अच्छा इस एरिया का नाम है जी क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर ब्रिज, आगे पता नहीं क्या नाम था, गिलगित में ही है आई थिंक, और ये सुस्त बॉर्डर के करीब है ये एरिया, और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। एंड ये जी यहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है, एसी से कंपेयर नहीं किया जाता, बर्फ़ से निकलती हुई हवा इस तरफ आती है, बिकॉज ऊपर जो है जितने भी बर्फ़ वाले पहाड़ हैं वहाँ से चश्मे निकलते हैं और इस तरफ, और हमारी बैक साइड पे एक गांव है जहाँ पे मिली, और हर तरह का मतलब ड्राई फ्रूट, पता नहीं कुबानियाँ और इस तरह का मतलब फ्रूट्स वगैरह बेतहाशा पाए जाते हैं। अभी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जगह, नो डाउट भैया, आपको पानी झरनों की नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से, ये आवाज़ें, तो कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि काइंडली जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करिए और इस जगह को एक्सप्लोर करिए, दिखाएं लोगों को दिखाएं जितना हो सके, एंड आए विज़िट करें, आपको भी पता चले पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, नो डाउट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी रही बात, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोगों के सब्सक्राइबर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग कहते होंगे भाई हर बार ये बंदा कहता है सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब आपका देख लेना, आपका सब्सक्राइब करना ज़्यादा है हमें, और सपोर्ट आप लोगों की तरफ से यही होती है, सब्सक्राइब करते हैं आप जो।
व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को आ रही होगी नहीं, बट आप लोगों ने इस जगह पे ज़रूर करना है टूर। मैं ना ऑटो सिनेमा होटल एंड रिजॉर्ट जो है ना यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गाँव में आ जाइए, अल्लाह हाफिज़।